हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेमिना। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, स्वच करने वाली हूँ जो कफ्स एंड लैशेस की न्यूली रिलीज्ड लिपस्टिक्स है, 5-in-1 लिपस्टिक्स उनके। तो ये है कफ्स एंड लैशेस मैट 5-in-1 लिपस्टिक इन इंडिया प्रोडक्ट। 7.5 ग्राम्स की प्रोडक्ट आपको मिल रही है, यानी कि 1.5 ग्राम्स ईच मिनी लिपस्टिक्स में आपको मिल रही है। एंड दिस आर क्रुएल्टी फ्री एंड यस, आप 3 साल तक यूज कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एंड दिस रिटेल्स फॉर 325 रुपीज। एंड इसकी जो पैकेजिंग है दैट इज दिस वन, ओके, 5-in-1 लिपस्टिक। एंड इसकी पैकेजिंग एकदम पूरा है जैसे कि रेनी, दिस इज रेनी लिपस्टिक, ओके। तो रेनी की पैकेजिंग आप देख सकते हो, रेनी की ये न्यूड लिपस्टिक मेरे पास है तो एकदम सिमिलर पैकेजिंग है। वी विल ऑल्सो सी कि रेनी के लिपस्टिक्स जो न्यूड है एंड इसके जो न्यूड है उसमें कोई कलर शेड मैच आता है कि नहीं, वो भी हम चेक करके देखेंगे इस वीडियो में। बट लेट्स टॉक अबाउट दीज लिपस्टिक्स फर्स्ट। तो इसमें नाम लिखा हुआ है मैट लिपस्टिक। नो, दीज आर नॉट मैट, दीज आर क्रीमी लिपस्टिक्स। दे विल ट्रांसफर बट दे आर बटरी सॉफ्ट, दे विल नॉट मेक यू लिप्स ड्राई एंड चैपी। वेरी सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है एंड क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग भी है। ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दीज आर लॉन्ग लास्टिंग एंड हाँ, आपके मार्क्स में तो ट्रांसफर होंगे बट इट्स वेरी इजी टू कैरी दीज लिपस्टिक्स, यू नो। एंड एक चीज ख्याल रखना कि अगर यहाँ से कुछ भी गिर गया, कुछ भी खराब हो गया, और इफ यू लूज एनी वन ऑफ देम देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग विद दिस और कैरिंग दिस एनीवेयर। यू शुड नॉट लूज एनी लिपस्टिक फ्रॉम हियर, ओके। तो ये चीज मैं कहना चाहती हूँ, बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी मत देना। पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, काफी बढ़िया पैकेजिंग है मैं कहूंगी। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट एन इनोवेटिव पैकेजिंग, इट्स ऑल रेनी कॉस्मेटिक्स ने पहली बार निकाला था एंड दे आर द वन हु हैव ओपन द डोर्स फॉर द अदर कंपनीज ऑल्सो एंड एवरीवन इज फॉलोइंग हर स्टेप्स। एवरीवन, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू ऑफ द कंपनीज आर फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स, बट एनीथिंग, बट चलो अच्छी चीज है। एंड इसकी स्वॉचेस अब देख लो, मैंने स्वॉचेस बिना मेकअप के किया है, आईब्राउज मस्कारा कुछ भी नहीं लगाया है एंड नॉर्मल डे लाइट में मैंने किया है। क्योंकि ये लिपस्टिक्स क्या है, कभी कभी ना मैं सोच रही थी कि मैं दो तरीके से करूँगी, लाइक विथ मेकअप विदाउट मेकअप। फिर मैंने सोचा कि अगर एक भी लिपस्टिक इधर उधर मैंने लगा दिया, क्योंकि इसमें तो नंबर्स नहीं है, तो वो खराब हो जाएगा पूरा स्वॉच वीडियो। सो इट्स बेटर टू स्वॉच देम ओनली विदाउट मेकअप सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर आइडिया कि कैसा है ये लिपस्टिक शेड। सो लेट्स सी द स्वॉचेस नाउ। डीप इन द शैडोज आई नो इट्स हार्ड टू पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, सो फार इज द एगो, वेयर डू वी स्टार्ट। You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. तो क्योंकि इसकी बहुत सी सिमिलैरिटी है रेने लिपस्टिक के साथ, सो चलिए कुछ स्वॉच करके देख लेते हैं कि एक जैसा कलर्स कुछ है कि नहीं। सो द फर्स्ट कलर आप देख ही सकते हो, ऊपर से देखकर तो थोड़ा सा मैच लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट मैच मुझे नहीं लग रहा है। ओके, ये है रेने की एंड ये है कफ्स एंड लैशेस। कफ्स एंड लैशेस थोड़ा सा डार्क कलर है। अब मैं खोलती हूँ, कलर में तो मैच नहीं है, इसको स्वॉच करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पीच में है एंड ये ब्राउन में है। चलिए दूसरे शेड्स को हम मैच करके देखते हैं। सेकंड कलर जो आप देख रहे हैं ये है रेने की कलर, ये थोड़ा सा लाइट वर्शन है एंड ये है कफ्स एंड लैशेस। ये कफ्स एंड लैशेस की कलर है, ये भी स्वॉच करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डार्क ब्राउन है। एक्चुअली आज मैं जब स्वॉच कर रही थी तो कफ्स एंड लैशेस की सारे जो न्यूड्स है
वो बहुत ही डार्क वर्जन में है. दीज आर ऑल डार्क न्यूड्स विच इज क्वाइट गुड आई थिंक, बिकॉज लाइट कलर की न्यूड्स ना हम लोग के ज़्यादा इंडियन स्किन टोन्स के लिए अच्छा नहीं है. बहुत से यू नो डार्कर स्किन टोन्स या मीडियम स्किन टोन लोग न्यूड शेड्स ढूंढते हैं, तो उनके लिए कप्सन लैशेज ने सोचा है. ये मुझे बहुत ही बढ़िया चीज लगता है. आई एम रियली हैप्पी दैट कप्सन लैशेज हैज थॉट फॉर एवरीवन. ओके, अब इसमें भी कोई मैच नहीं है. ये कप्सन लैशेज की है एंड ये रेने की है. ये देख सकते हो ये थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्रिक कलर है एंड ये मॉवी टोन में है. अब ये भी देखो दोनों में कोई मैच नहीं है. लाइक दिस वन इज फ्रॉम रेने एंड दिस इज फ्रॉम कप्सन लैशेज. एकदम ही मैच नहीं है. मैं सामने से दिखा रही हूँ. ये देखो ये डीप में है एंड ये लाइट में है. अगेन आप देख सकते हो कि कप्सन लैशेज एंड इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है. एक्चुअली कोई भी शेड नहीं है जो कि मैच है. एंड पहला वाला शेड हम लोग फिर से आ जाते हैं. सो थैंक गॉड, मुझे भी लग रहा था कि मेरे पास रेने भी है एंड कप्सन लैशेज भी है, शायद दोनों का कलर एक जैसा ही हो जाएगा. बट थैंक गॉड कि एक जैसा कोई भी शेड कोई भी कलर दोनों में मैचिंग बिल्कुल भी नहीं है. एंड ये देखो पहला वाला शेड जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये रेने की है बीच में है एंड ये कप्सन लैशेज की है. सो फाइनली दोनों में पैकेजिंग में लाइक सेम है. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेम. 3 साल तक दोनों को आप यूज़ कर सकते हो. जो कप्सन लैशेज की है वो है ओनली 325 रुपीज़. जो रेने की जो न्यूड शेड है दैट रिटेल्स फॉर 755 रुपीज़. लेकिन अमेजन में डिस्काउंट देखिए आपको ये 599 रुपीज़ में मिल जाएगी. बट दोनों में शेड की कोई भी मैचिंग नहीं है. रेने कॉस्मेटिक्स इज ऑन द लाइटर वर्जन एंड वेयर एज द कप्स एंड लैशेज इज ऑन द डार्कर वर्जन ऑफ न्यूड. अगर दोनों में से आप कहते हो कि कौन सा हमको लेना चाहिए, डेफिनेटली कप्स एंड लैशेज. आई विल से गो फॉर द कप्स एंड लैशेज क्योंकि ये इसकी प्राइस कम है. दिस इज ऑल्सो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. बोथ आर एक्चुअली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. एंड हाँ, दोनों की कंपनीज की ओनर वुमेन है, वुमेन पावर. एंड बट रेने इज स्लाइटली प्राइसियर दैन कप्स एंड लैशेज. दोनों की टेक्सचर एक है, दोनों की लाइक लास्टिंग पावर भी एक जैसा ही है. सो वाई पे फॉर मोर फॉर समथिंग विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वन. एंड कप्स एंड लैशेज बेटर है मैं कहूँगी कलर वर्शंस में, क्योंकि ये डार्कर साइड में है. सो दिस विल बी सूटेबल फॉर एवरी वन, फ्रॉम यू नो फॉर फ्रेड टू मीडियम टू डार्कर स्किन टोन. इवन द चॉकलेटी ब्राउन्स कैन ऑल्सो वेयर दिस. वेयर एज रेने कॉस्मेटिक्स की जो शेड्स है वो है क्वाइट ऑन द लाइटर वर्शन, विच विल लुक गुड ऑन फेयर स्किन टोन पीपल एंड सर्टन कलर्स विल लुक ऑन मीडियम स्किन टोन पीपल एंड डार्कर स्किन टोन पीपल. सो यही आज की वीडियो थी. कैसा लगा आप लोगों को डेफिनेटली मुझे कहना. एंड लाइक आई ऑलवेज से कीप द स्माइल ऑन फेस एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन. Yes, in our next video. So till then, take care and bye.